नमस्कार दोस्तों, अभी जो है हाल ही में जेई के लिए एग्जामिनेशन हुआ, तो इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही बदल दिया गया है। तो आप जो है अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको जो एक नए पैटर्न पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले 110 क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें आपको 100 का आंसर देना होता था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। अभी क्या किया है, 55 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से कि आपको आपको 50 का आंसर देना होता है। प्रत्येक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम आपको उतना ही मिलेगा 2 घंटा, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। अब यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन जो है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़िए, 5वां नंबर। इसमें कि आपका जो फर्स्ट 45 क्वेश्चन होगा वो मैंडेटरी है, यानी कि आपको इसका जवाब देना ही देना है, ठीक है। आप इसमें से छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही छोड़ना है जिसमें से 55 में से 50 का आंसर देना है। तो 1 से 45 तक आपको जो है आंसर देना है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो बचा, अटेम्प्ट आइदर 46 to 50, उसमें से आपको या तो 46 से 50 तक आंसर देना है या फिर 51 से 55 तक आंसर देना है, ठीक है। तो ये जो है एक इंस्ट्रक्शन है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। कोई भी किसी तरह का आपकी कटिंग, इरेजिंग, ओवर राइटिंग ये जो है इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसको गलत आंसर माना जाएगा, निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप ब्लू या ब्लैक पेन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक, किसी तरह का पेंसिल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक। तो ये जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है, 4 में से 1 ही करेक्ट आंसर है, उसी को आपको जो है ओएमआर में भरना है, ठीक। और अगर आप कट करते हैं या एक से अधिक आंसर देते हैं तो वहाँ पर जो है 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक। किसी तरह का जो है आपको कहीं पे नाम ये सब जो है इंडिकेशन कुछ नहीं देना है जिससे कि आपका पहचान हो सके। तो ये जो है आपका एक इंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है डैश इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। स्टील में अगर आप कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या इंक्रीज करेगा, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, माइल्डनेस या नन ऑफ द अबव। तो जब आप कार्बन परसेंटेज स्टील में बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ये क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, ये बढ़ता है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस, टफनेस ये डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे इंक्रीज पूछा है तो डैश इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर, ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी एप्लीकेशन, ब्रेक एप्लीकेशन। जब आप इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन लगाते हैं उस समय में ब्रेक सिलेंडर में कितना मैक्सिमम प्रेशर जाता है, तो ये जो है आपका 3.8 ± 0.1 kg/cm² प्रेशर जाता है। तो यहाँ पर 3.8 ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 3रा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3रा नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश इज डन बाय ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, बजट एलोकेशन, फंड एलोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ABC एनालिसिस जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। ABC एनालिसिस होता क्या है, तो जैसे हम हमारे पास 3 तरह का आइटम है, एक आइटम है ऐसा है जिसका जो कॉस्टली आइटम है, वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जो है इसमें आ जाता है वेरी एक्सपेंसिव आइटम, हाई वैल्यू का आइटम आता है, इसको हम लोग को जो है एक्यूरेट कंट्रोल करना पड़ता है जिसका वैल्यू हाई होता है। फिर आता है बी, बिल, तो बी क्लास में हम लोग किसको रखते हैं, वैसे आइटम को रखते हैं, वैसे मटेरियल को जिसका मॉडरेट वैल्यू है, इसको मॉडरेट कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो सी क्लास का आइटम है वो लो वैल्यू आइटम रहता है, इसको लो कंट्रोल रहता है। ये इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ABC एनालिसिस से किया जाता है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लेंज इन हाई स्पीड ट्रेन इज डैश MM। तो जो हाई स्पीड ट्रेन में मिनिमम फ्लेंज थिकनेस होता है वो 22.5 mm होता है, तो इसका सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, डैश आइटम हैज PL नंबर। तो जो PL का फुल फॉर्म होता है, PL का फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट, ठीक है, प्राइस लिस्ट। तो ये जो है 8 डिजिट का एक नंबर होता है
जो कि सारे स्टॉक आइटम के लिए होता है। तो प्रत्येक स्टॉक आइटम के लिए एक यूनिक पीएल नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कंडेम मटेरियल इज सेंड टू स्टोर ऑन डैश। तो जो भी हमारा मटेरियल कंडेम हो जाता है उसको हम लोग फिर से स्टोर भेज देते हैं, तो उसके लिए हम लोग DS-8 नोट यूज़ करते हैं। DS-8 का मतलब होता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका DS-8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रिलीजिंग टाइम ऑफ एयर ब्रेक ऑफ बॉक्सिन वागन इन एम्प्टी कंडीशन इज डैश सेकेंड, ठीक है। तो जो रिलीजिंग टाइम रहता है वागन में वो होता है आपका 15 से 60 सेकेंड। तो ये जो है एक कोचिंग ले लीजिए, इधर वागन ले लीजिए, इधर ब्रेक अप्लीकेशन ले लीजिए, इधर रिलीज ले लीजिए, ठीक है। तो कोचिंग में जो होता है आपका वो होता है अप्लीकेशन 3 से 5 सेकेंड और वागन में होता है आपका 18 से 30 सेकेंड, ठीक। उसी तरह से कोचिंग में रिलीजिंग टाइम कितना होता है 15 से 20 सेकेंड और वागन में रिलीजिंग टाइम कितना होता है 45 से 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, डैश गैस इज यूज ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन MIG। जो मेटल इनर्ट गैस रहता है उसमें अगर आप स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सा गैस यूज करेंगे, आर्गन गैस, CO2 गैस, DA गैस, नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए जो है आर्गन गैस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक पाइप डाया इन कोच इज डैश MM। तो अभी जस्ट एक वीडियो बनाए थे उसमें आपको जो है इसका आंसर हम बताए हुए थे। तो जो ब्रेक पाइप का डाया था कोच में वो 25 MM होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, डैश कटिंग इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए थे, स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लाज्मा कटिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल इज डन बाय डैश फिट। तो जो हम लोग व्हील एक्सल रहता है, एक्सल पे जो व्हील हम लोग फिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस मेथड का प्रयोग हम लोग करते हैं, श्रंक करते हैं, प्रेस करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, नॉन ऑफ द। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस मेथड, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट के द्वारा जो है इसको फिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ एक्सेल। अगर एक्सेल में इंटरनल फॉल्ट है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल लाइफ ऑफ लेथ व्हील लेथ फॉर 2 शिफ्ट वर्किंग। 2 शिफ्ट में काम हो रहा है तो उसका टोटल लाइफ कितना होगा। तो अगर 2 शिफ्ट में काम होगा तो उसका टोटल लाइफ घट जाएगा और वो हो जाएगा आपका 15 साल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग। 3 शिफ्ट में अगर काम हो रहा है तो एयर कंप्रेसर का टोटल लाइफ कितना होगा। तो एयर कंप्रेसर का जो टोटल लाइफ होगा वो घट जाएगा, वो हो जाएगा 9 साल, ठीक है, अगर तीनों शिफ्ट में अगर एयर कंप्रेसर चल रहा है तो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग में जो है हम लोग जो है जनरली आपका आर्गन या फिर CO2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आंसर इसका, CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द कंपिटेंट फॉर RSP वर्क, ठीक है। तो जो RSP वर्क होता है, RSP का फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जितना भी होगा उसको कौन जो है उसके लिए कौन उसको देखभाल करता है, कौन डिसाइड करता है, तो उसके लिए रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे। तो पूरे रेलवे में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड होता है वो होता है MTRS, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड कौन है इंडियन रेलवे में, हाईएस्ट अथॉरिटी मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका,
ईओटी क्रेन है डैश मोशन, तो जो ईओटी क्रेन रहता है उसमें टोटल तीन मोशन होता है, ठीक है। एक आपका जो है ईस्ट वेस्ट होगा, एक आपका ईस्ट वेस्ट हो गया एक मोशन, ठीक। दूसरा आपका मोशन हो गया कौन सा होगा, नॉर्थ साउथ, और तीसरा मोशन होगा अप डाउन। तो ये जो है तीन मोशन इसमें होता है टोटल, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टर लाइफ ऑफ व्हील लेंथ फॉर थ्री शिफ्ट वर्किंग, अगर तीनों शिफ्ट में काम हो रहा है तो इसका जो है क्वार्टर लाइफ घट जाएगा, तो इसका क्वार्टर लाइफ कितना हो जाता है, क्वार्टर लाइफ घट के आपका 9 साल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए ए सी इज फॉर डैश एटम, जो ए ए सी होता है, ए ए सी का फुल फॉर्म होता है एनुअल एवरेज कंजम्पशन, तो जो एनुअल एवरेज कंजम्पशन होता है वो सिर्फ स्टॉक आइटम के लिए होता है, तो ये जो है आपका स्टॉक आइटम ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चर गियर टीथ, गियर टीथ जो बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस मशीन पे बनता है, ठीक है। तो वो जो है आपका मिलिंग पे बनता है, तो उसको हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। अब बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनल फिट ऑफ वागन इज गिवेन बाय, फाइनल फिट जो वागन करता है वो एन टी एक्स आर देता है, एन टी एक्स आर मतलब न्यूट्रल टी एक्स आर, ठीक है। इसका जो है आपका जो फाइनल फिट होगा, अगर न्यूट्रल टी एक्स आर अगर फिट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो वागन आपका फिट नहीं होगा। तो न्यूट्रल टी एक्स आर का जो है डायरेक्ट कंट्रोलिंग वो आपका दिल्ली से होता है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल स्प्रिंग वर्कशॉप इज एट, जो रेल स्प्रिंग वर्कशॉप है वो कहाँ पर है, ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, सिथौली, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका रेल स्प्रिंग वर्कशॉप है ये है सिथौली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, पी एस सी आइटम परचेज्ड बाय, पी एस सी जो आइटम होता है वो परचेज करता है, तो पी एस सी का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट, तो जो पी एस सी आइटम होता है वो जो है सिंगल टेंडर में परचेज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है सिंगल टेंडर के द्वारा परचेज किया जाता है पी एस सी आइटम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, कलर ऑफ इमराल्ड इज, जो इमरेल रहता है, इमरेल जानते हैं आप लोग, इमरेल जो पन्ना होता है ना, जो आपको बोलते हैं हीरा पन्ना, तो ये एक मिनरल है, खनिज है पन्ना, तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, डीप ग्रीन, ठीक है। तो ये पन्ना हो गया, पन्ना ये खनिज है, ठीक ना, तो इसका जो है ग्रीन कलर का, प्योर ग्रीन रहता है, डीप ग्रीन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी है, तो वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो कितने पर, -4, 0, 4 और 100, तो इसका जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आपका यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है, तो हु वाज द 9th गुरु ऑफ सिख, तो इसका ऑप्शन है आपका रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या फिर गुरु अमरनाथ। तो 9th गुरु जो थे वो थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला गुरु कौन था, गुरु नानक, ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक, आप नोट कर सकते हैं, गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, दूसरे, तीसरे गुरु अमर, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन, छठा गुरु हरगोविंद सिंह, और सातवां आपका हो गया गुरु हर राय, आठवां आपका हो गया हर किशन, ठीक है, गुरु हरकिशन, नौवां हो गया गुरु तेग बहादुर, और दसवां हुआ गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे 9th पूछा है, तो ये हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्किंग फील्ड ऑफ फेमस नवाब पटौदी, जो सैफ अली खान है ना, तो उसका जो है पूरा पूरा फैमिली का जो है वर्किंग फील्ड कहाँ पे काम करता है, लिटरेचर में काम करता है, स्पोर्ट में काम करता है, पॉलिटिक्स में काम करता है, या फिर एमपी थिएटर में काम करता है, ये मेनली थिएटर ये लोग काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, ऑप्शन है आपका रामसे मैकडोनाल्ड, विस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, या फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये जो है क्लीमेंट एटली थे, हम लोग सभी जानते हैं, तो 29 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली, ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं,
और आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द वेनेटियन ट्रेवलर टू द विजयनगर एम्पायर। तो ये जो ट्रेवलर थे जो विजयनगर साम्राज्य में गए थे, ठीक है, वेनेटियन ट्रेवलर, ये थे निकोलो डी कांटी। निकोलो डी कांटी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन द ईयर ऑफ। तो ये 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1930 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन, हु क्लेरियन कॉल टू द नेशन वाज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, तो ये कोट किसका है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद का कोट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपका लिंक हॉफमैन बोस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपका, और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन साइज सीबीसी अबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। तो सीबीसी का जो मैक्सिमम हाइट वो कितना होता है, 1105 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी कोच। एक होता है रेल गेज, एक होता है व्हील गेज। तो एलएचबी कोच का जो व्हील गेज होता है वो 1600 प्लस माइनस 1 mm। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये बी नंबर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो है आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू, ऑप्शन है डी सूप स्पून फूड। इसका मतलब पहले समझिए, बोल रहा है कि कप इज टू कॉफी, हम लोग कप में क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो बॉल है जो बॉल कटोरा था उसमें हम लोग क्या पीते हैं, सूप पीते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इन दिस क्वेश्चन ए नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पर है 20 19 17 डैश 10 5। देखिए यहाँ पे 20, ठीक है, 20 में से एक माइनस करिए कितना हो गया 19, 19 में से दो माइनस करिए कितना हो गया 17, 17 में से तीन माइनस करिए कितना हो गया 14, 14 में से चार माइनस करिए कितना हो गया 10, 10 में से पाँच माइनस करिए कितना हो गया 5। तो यही सीरीज है, ठीक है, तो इसका मिसिंग टर्म क्या है, 17 और 10 के बीच में क्या है 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज वर्ड आउट, जो इसमें से भिन्न है उसको हम लोग को चूज करना है, लेक सी रिवर पूल। तो देखिए इसमें से जो है आपका लेक है, सी समुद्र है, ठीक है, झील है, समुद्र है, नदी है, पूल है, तालाब टाइप का। तो ये जो है आपका तीन, देखिए लेक हो गया, सी हो गया और पूल हो गया, इस तीनों में जो है पानी स्थिर रहता है, ठीक है, पानी नहीं बहती है, लेकिन एक रिवर ये सकता है जिसका पानी फ्लो होते रहता है। तो यही एक जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी रिवर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी। ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है, ठीक है, तो मान चलिए ए का जो है उम्र है एक्स, ठीक है, एंड 3 ईयर यंगर देन सी, और ये जो है सी से 3 साल छोटा है, तो ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा एक्स माइनस 3, और सी कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 3, क्योंकि ये 3 साल बड़ा है। तो वाइल बी एंड डी एंड ट्विंस, ये जो ट्विंस है यानी कि डी और बी का जो है उम्र सेम है, ठीक है, जुड़वा है ये बी और डी। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी फ्रॉम डी, तो सी जो है डी से कितना बड़ा है, तो बी और डी तो एक ही है, तो सी बी से जितना बड़ा होगा उतना ही डी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस 3, यहाँ पे एक्स प्लस 3, तो ये ए से 3 साल छोटा है, ये 3 साल बड़ा है, तो कितना हो गया टोटल 6 साल हो गया। तो 6 साल हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी सेकेंड ए 120 मीटर लॉन्ग कारावान रनिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विल टेक टू पास ए स्टैंडिंग बॉय। एक आदमी खड़ा है तो बोल रहा है कि 120 मीटर का लंबा कोई गाड़ी है, वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के रेट से चल रही है, तो वो जो है एक खड़े लड़का को कितने सेकेंड में पास कर जाएगी।
ठीक है। तो सिंपल है, डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, ठीक। और स्पीड भी पता है, स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो टाइम निकल जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 120/10, तो ये कितना हो गया 12 सेकेंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है ए बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 12। एक लड़का को एक नंबर में जो है 12 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 21। मिस्टेक से वो क्या किया, उस नंबर में 12 के बदले 21 से गुना कर दिया, एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा से गुना करेगा तो ज़्यादा आंसर आएगा, तो उसका जो है 63 ज़्यादा आ गया करेक्ट आंसर से। तो बोल रहा है कि जो नंबर है उस कितने नंबर में हमको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी आपका जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। तो मान चलिए जो नंबर है वो मेरा है एक्स, ठीक। तो कितना से गुना करना था, 12 से गुना करना था एक्स में, गुना कितना से कर दिया 21 से गुना कर दिया, 21 गुना एक्स, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा आंसर आ गया 63। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 63 को माइनस कर देंगे, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप 21 में से 12 गया तो कितना बचा, 9x बराबर कितना हो गया 63, तो x बराबर कितना हो गया 7, ठीक। तो यही है आंसर मेरा, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से कोई भी जो सम है वो 15 साल में डबल हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, मान चलिए जैसे आपका साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो ये हो गया प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू रेट बाय 100, ये होता है। तो अब हम मान चलिए जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सॉरी जो आपका मूलधन है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया आपका। तो अब मान चलिए जो है ये पी आई है, वो है पी मेरा है, पी है एक्स, ठीक है एक्स। तो टाइम कितना है, टाइम है 15 साल। अब आर को हम आर ही मान लेते हैं, तो 15 साल के बाद ये 15 साल के बाद जो है टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, डबल हो जा रहा है। अब ये टोटल अमाउंट क्या है, ये है आपका मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज एस आई। अब ये कितना है मेरा 2x प्लस सॉरी 2x बराबर क्या हो जाएगा, पी को मान लीजिए एक्स, अब प्लस एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि एक्स इंटू 15 यानी कि समय इंटू रेट, ठीक है, बटा 100। तो ये 2 में से x, 2x में से x कर चला गया, ये यहाँ से यहाँ कितना बच गया, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका x इंटू 15 r/100, यही होगा, ठीक। फिर यहाँ पे x x कट जाएगा, तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो 15 r बराबर कितना हो गया 100, 15 r बराबर हो गया 100, तो r बराबर कितना हो गया 100/15। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/9 2/3%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका फाइंड सी पी व्हेन एस पी 400 एंड लॉस परसेंट इज 70%, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बैठ जाएगा आपका, जो है क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य 400 दिया हुआ है और परसेंटेज लॉस दिया हुआ है 70%, ठीक है। तो जो सी पी एस पी होता है सेलिंग प्राइस, बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटा 100, यही होता है। तो हमको जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 400, सी पी निकालना है, अब 100 में से 70 गया कितना बचा 30 बटा 100, यही हो गया। तो हमको सी पी निकालना है, तो यहाँ पे जो है आपका 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3/10 हो गया, सी पी बराबर क्या हो गया 400/10, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4000/300 हो जाएगा। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा 4000/3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/12 तो नंबर वुड बी, नंबर क्या होगा। ठीक है, दो नंबर दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है सम दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना हो दिया है 10, और एक और दिया हुआ है x बटा वाई और सॉरी 1/x प्लस 1/y बराबर दिया हुआ है 5/12। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x वाई बराबर 5/12। x प्लस वाई कितना दिया 10, 10/xy का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 10 × 12/5 ये होगा। तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना हो गया 24, ठीक है 24। तो x प्लस वाई मेरा आ गया 10, xy आ गया 24, इसको याद रखिए। तो x प्लस वाई है 10 और xy आ गया 24। तो यहाँ से हम एक और फार्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। x प्लस वाई कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 100 माइनस 24 इंटू 4, यहाँ पे xy का वैल्यू कितना दिया 24, तो 24 × 4 करेंगे कितना हो गया 96, तो 100 में से 96 किया गया कितना बचा 4, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 4, तो x माइनस वाई कितना आ गया 2, तो x प्लस वाई आ गया 10, x माइनस वाई आ गया कितना 2, ये कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया, ऐड कर दीजिए 12, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 6, अगर x बराबर 6 हो गया तो y बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं, बाकी इस मेथड से तो आपका हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a is to b बराबर दिया हुआ 2:3 एंड b is to c बराबर दिया हुआ 4:5, तो a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर इज टू c bc पूछ रहा है, तो इसको हमको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो a इज टू b बराबर कितना दिया हुआ 2:3, ठीक है, और b इज टू c कितना दिया हुआ है, b इज टू c दिया हुआ है आपका 4:5, तो यहाँ पे b देखिए, b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4×2 = 8:12, ये कितना हो गया 12:15, ये हो गया। तो यहाँ पे b अब बराबर हो गया, तो a:b:c कितना हो गया 8:12:15, यही होगा। तो अब हमको पूछ रहा है a² + a² = b² = c², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 64:b स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए कितना हो गया 144, अब b को और c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, bc पूछ रहा है, तो 12 × 15 कर दीजिए, 12 × 15 कितना हो जाएगा 180, तो इसे कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ठीक है 4 से कटेगा तो आ जाएगा 16:2, ये कितना गया 36, 4 से यहाँ पे 180 में 4 से भाग दीजिए कितना आ गया 45, तो इसका आंसर गया 16:36 a² = b² = bc, ये हो जाएगा 16:36 × 45, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्ट इज, देखिए यहाँ पे, ठीक है, रस्ट जो है, रस्ट इज व्हाट, अब ये कि 1 से 45 तक आपका मैंडेटरी था, यहाँ तक तो आपको आंसर देना ही देना था, ठीक है, अब आपका जो है ऑप्शन वाला आ गया 46 से 50 तक और 51 से 55 तक। अब रस्ट इज मिक्सर ऑफ, एक्चुअली में ये जो है आपका Fe2O3 और FeOH का होल 3, इसका मिक्सर होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, यहाँ पर जो है आयरन का ऑक्साइड और आयरन का हाइड्रोक्साइड का मिक्सर होता है रस्ट, तो ये जो है यहाँ पर गलती है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो वैसे आपका आंसर जो है ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सल्फेट ऑफ द मेटल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ। तो जो परमानेंट हार्डनेस रहता है, जो कि सल्फेट के कारण आता है मेटल में, परमानेंट हार्डनेस, तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसको जो है किसके यूज से हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये होता है जियोलाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और आपका देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज। व्हील फ्लेंज का जो नया थिकनेस होता है वो 29.4 mm होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, 110 mm होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो कोडल लाइफ होता है वो कितना होता है, वो होता है 30 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब राजभाषा का 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शनल था, या तो उधर 46 से 50 तक दीजिए या 51 से 55 तक दीजिए। तो राजभाषा का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा का क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया, क ख ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, 3, ठीक, ABC में बांटा गया है। नेक्स्ट आपका गुजरात किस क्षेत्र के अंदर आता है। गुजरात आता है ख क्षेत्र में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख, ठीक है, बी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो 53 का आंसर है, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी, ठीक है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, 10 मई 1963, बी नंबर, ख नंबर सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 14 सितंबर, क नंबर आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। होप आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड को, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।